पानी कोई पहाड़ से आ रहा है, सब बता रहा है। हर वाटरफॉल का डमरू यही है कि पानी पहाड़ से आता है। And I just love it when this boat spins. This is our day 3 at Hampi, and we got up. It's almost 6:15 in the morning, and it's so bright already. ₹300 में। तो यहाँ सुबह सुबह हम एक भैया मिल गए नदी किनारे, उन्होंने बोला ठीक है चलो प्रकट। तो यहाँ पे हमारे स्टे चिल से थोड़ा सा ही आगे वाटरफॉल लिखा हुआ था, तो वी वर जस्ट चेजिंग द वाटरफॉल एंड नाउ वी आर गोइंग टू सम कोराकल राइड। ही सेड इट्स डिफरेंट रूट, सो वी आर गोइंग एंड एक्सप्लोरिंग। यस, सुबह सो वी विल सी। एक्चुअली द पॉइंट इज वी केम आउट टू सी सनराइज, बट इतना क्लाउडी है कि कुछ भी सनराइज सनसेट टाइम नहीं दिखेगा, बिकॉज इट्स जुलाई, इट्स रेनिंग। इट्स नॉट रेनिंग बट इट्स रेनी सीजन। सो या, और मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आई क्योंकि बहुत मच्छर काटे उधर। हां भाई, ये जो आदि मानव की तरह जो रहते थे ना, उनको वहीं रहना। नहीं, कुछ कुछ स्टेज यहाँ पे वो मच्छरदानी या फिर वो नेट देते, तो उसमें थोड़ा हो जाता है। बट हमारा स्टे आई थिंक अभी स्टार्ट हुआ है और उसमें कोई गेस्ट ही नहीं था। एक तो हमारा स्टे का ओनर ही नहीं है, हम पूरी प्रॉपर्टी में रात को अकेले थे। वो चला गया चिल करने के लिए, और बड़े मच्छर काटे, और रात को ऐसे वो बोल रहे थे मेंढक, ऐसा लग रहा था हमला बोल दिया उन्होंने। भयंकर। सो दैट्स देयर एंड नाउ अ बोट इज हियर, सो वी विल जस्ट गो एंड राइड इट। अरे वाह, इधर जगह तो है नहीं भैया बोट चलाने का। किधर बोट चलाओगे, सब जगह पत्थर है। डैम फुल हो गया तो 2 दिन बाद इधर बोट नहीं चलेगी, मतलब? अच्छा, और ज्यादा आए तो नहीं डालते, नहीं डालते। अच्छा, पत्थर तक पानी आ जाता है, वो पत्थर है ना। ओहो, वाटरफॉल लेकर जाएंगे। थोड़ा जमा हुआ पानी है यहाँ पे, बट बहुत सही। यहाँ का जो नज़ारे हैं वो हम मतलब हर मोमेंट के साथ अनकवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत नैरो कैनाल जैसी है और सीधा सीधा जाना है, बीच में पत्थर है, वाटरफॉल तो हमें दिख ही नहीं रहा है। तो और गणेश जी दिखा रहे हैं हमें, गणेश जी नेचुरल बने ना पानी से। हाँ, गणेश जी का शेप, गणेश जी का शेप ऐसा शेप है जो कहीं भी दिख जाता है, मतलब नारियल के अंदर प्रकट होते हैं, कभी कहीं प्रकट होते हैं कभी कहीं। तो गणेश जी यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, काफी कुछ मैच कर रहा है वैसे गणेश जी, बने आंखें, मुकुट भी बना है उनका। वो है मेन वाटरफॉल, वो है मेरा उधर पहाड़ वो पड़े मन। अच्छा, थोड़ा वॉकिंग करना है। अच्छा, एवरी मॉर्निंग शुड बी लाइक दिस। और ये जो पानी से मतलब पानी की ठोकर खा गया कि इतना सुंदर शेप बन गया है पत्थरों का, पानी की मार से ऐसा हो गया है। वाओ, हियर इज आवर वाटरफॉल। Thank you.
पानी कोई पहाड़ से आ रहा है ऐसा बता रहा है. हर वाटरफॉल का डमरू यही है कि पानी पहाड़ से आता है. And I just love it when this boat spins. Oh my God!